आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। अभी इस समय हम आरएसपुरा के इलाके में खड़े हैं, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये घोड़ा है, ये घोड़ा गाड़ी बनाई है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये घोड़ा कितना बेबस है और ये कितना थका हुआ लग रहा है। आप इसके ऊपर लोड देख सकते हैं किस तरह से इसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, और जब हमने इनको रोकने की कोशिश की और ये यहाँ से भाग गए। आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं, आप इसके पीछे करके दिखा रहे हैं, अगर आप पीछे देखिए तो वहाँ पे भी घोड़ा गाड़ी, दो घोड़े गाड़ी हैं और वहाँ पे भी इसी तरह से लोड उठाया हुआ है उन्होंने। और आप उनकी भी हालत देख सकते हैं कि एक जानवर के ऊपर ये कितना जुल्म है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और इन पर कितना जुल्म किया जा रहा है। आप इनकी हालत खुद देख सकते हैं, आप लगातार तस्वीरों में देखिए कि जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की, ये अपनी अपनी घोड़ा गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो हम आपको तस्वीरों से दिखा रहे हैं कि देखिए ये इलेक्ट्रिक पोल है, जब हमने इनसे कहा कि इन पे इतना क्यों बर्डन है, उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है, इन्हीं के द्वारा इनको ले जाया जाता है इलेक्ट्रिक पोल को। तो आप खुद ही हिसाब लगाइए कि ये जानवर है और इनके ऊपर किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। हमारे पास यहीं के निवासी है बात करने के लिए, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये आप इसके ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? यार क्या करें, बेले बैठकर काम तो करना ही है, कोई भी काम मिलेगा तो करेंगे। पेड़ इसको भी शाम को 200 रुपया डालना पड़ता है, घर भी बाल बच्चे को भी खिलाना पड़ता है, अपना भी खाना पड़ता है, बेले बैठ के क्या करेंगे। आपके पास इसके अलावा और कोई साधन नहीं? नहीं ना, जो होता था हम क्यों करते इसके बेचारे को, बेकार लोग हम। तो ये आपका नहीं है, ये मतलब आपके कोई ठेकेदार होंगे? ठेकेदार कोई नहीं उनका जी। फिर आपने किससे लिया? आपने किससे लिया ये? वो इधर ही खड़े थे, आते हैं इधर ही आ जाते हैं हम लोग, ठेकेदार के थोड़े। अच्छा, कोई ठेकेदार नहीं है, मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? हम थोड़े करेंगे मर्जी से। तो फिर कौन है वो? गेंद आते हैं अभी आ जाते हैं, 5 मिनट में इधर आते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया और इनसे बातचीत करवाई, इन्होंने सीधे से नाम तो नहीं बताया, किसी पे उंगली नहीं की, बट इनका ये कहना है कि हमारे घर पे भी बच्चे हैं, उनको पालने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। बट आप खुद ही समझदार हो, आप हिसाब लगा सकते हो कि एक घोड़े पे कितना ज़्यादा वेट है, वो कैसे किस हालात में है, एक जानवर पर कितना अत्याचार है ये। आप ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।